नमस्ते फ्रेंड, ओम नमः शिवाय, जय गुरुदेव। कैसे हो आप? मैंने आपसे बोला था कि होमवर्क प्रिपेयर करना, क्या आपने वो होमवर्क प्रिपेयर किया है? चलो तो हम आपको वो होमवर्क याद दिला देते हैं और जानते हैं कि क्या क्या हमने पहले के लेक्चर में पढ़ा था। तो सबसे पहली जो उंगली होती है उसको हम कौन सा पहाड़ बोलते हैं? गुरु का पहाड़। सेकंड जो उंगली होती है उसको हम कौन सा पहाड़ बोलेंगे? शनि का। थर्ड जो उंगली होती है उसको हम सूर्य का बोलेंगे। और फोर्थ नंबर वाला मर्क्यूरी का पहाड़ होता है। फिर दो मंगल होते हैं, एक उच्च का मंगल होता है और नीच का मंगल। बराबर मंगल के नीचे जो पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? चंद्र का माउंटेन। और जहाँ पे अंगूठे के नीचे का पार्ट होता है उसे शुक्र का विस्तार माना जाता है। तो अब हम आगे के लेक्चर की ओर बढ़ेंगे। तो चलो आज हम जानेंगे कि सबसे पहली जो उंगली होती है बराबर उसके नीचे, अगर आपको यहाँ पे फोटो में दिखाई दी है वैसी रिंग दिखे तो उसे बोलेंगे गुरु की रिंग। और अगर वो गुरु की रिंग जिस इंसान में होती है तो वो बहुत ही होशियार होता है, यानी उसकी समझ शक्ति, अंडरस्टैंडिंग पावर सबसे ज़्यादा होगी। उसके अलावा अगर ये गुरु का विस्तार उभरा हुआ हो हाथ में तो उन लोगों में कम्युनिकेशन के चांसेस भी सबसे ज़्यादा होते हैं और वो किसी को भी अच्छे से समझा सकता है। गुरु वो नॉलेज का ग्रह है, यानी कि उस इंसान में आध्यात्मिक लेवल का नॉलेज भी ज़्यादा होगा और लीडरशिप पावर भी उसके अंदर ज़्यादा होता है। अगर गुरु का विस्तार ज़्यादा हो तो उससे वो अकेला ही कैसी भी सिचुएशन हो उसमें अच्छी तरह से लड़ सकेगा और जीत भी सकेगा। इसके अलावा वो जो भी चाहे वो अपने विल पावर से पूरा कर सकता है। तो ये है गुरु की रिंग की पावर। और गुरु के विस्तार का अगर अच्छा एरिया है तो उसका प्रभाव। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे ये वीडियो सब तक पहुंचे और सब इसके बारे में